चैप्टर नाइन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट बच्चों लेक्चर वन और लेक्चर टू में हमने देखा है कि हमने पूरी तरीके से मनी मार्केट को कवर कर लिया है जिसके अंदर हमने बैंक के फंक्शंस परफॉर्म क्या करते हैं वो देख लिया उसी के साथ साथ फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करती है और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि मनी मार्केट में किस तरीके के रिफॉर्म्स जो है वो आए हैं यानी कि न्यू इंट्रोडक्शन आया है न्यू चेंजेस आए हैं राइट जहां पर हमने देखा किस तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज चेंज हो गई है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज किया गया है तो ये सारी चीजें जो है वो हमने हमारे मनी मार्केट में देख ली अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में जो कि दूसरा टाइप है हमारे हमारे कंट्री के मार्केट का मार्केट आपको याद होगा दो, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया था एक तो मनी मार्केट था दूसरा कैपिटल मार्केट मनी मार्केट कंप्लीट हो चुका है लेट लेटेस्ट मूव अहेड विद द कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स देता है क्या करता है लॉन्ग टर्म फंड्स देता है बोथ इक्विटी एंड डेट रेस्ट विदिन एन आउटसाइड्री बोध इक्विटी इक्विटी क्या होता है आपके पास कितने ओनर हो सॉरी जब ये पता चलता है तो वो आपकी इक्विटी होती है डेट यानी कि कितना कर्जा आपने बाहर से लिया है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चार लाख का लोन जो है वो रेस किया लेकिन आपकी जो इक्विटी है वो टोटल समझ लो छ लाख है ठीक है तो इसमें से जो चार होगा वो आपका डेट होगा और जो बचा हुआ दो होगा वो आपकी क्या हो जाती है इक्विटी होती है यानी कि दो लाख के उतनी जितने भी असर है उसके ओनर जो है वो आप हो तो ये इक्विटी और डेट का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है तो यहां पर बोला जा रहा है कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स जो कि इक्विटी और डेट रेस किया गया है चाहे आपकी कंट्री के अंदर चाहे आपकी कंट्री के बाहर इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द फाइनेंशियल सिस्टम यानी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का कैपिटल मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है हिस्सा है डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए इस कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट होना इसको और बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम अब ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स की हम बात करें जो कि कैपिटल मार्केट में हमको मिलता है तो ये डिमांड कहाँ से आती है लॉन्ग टर्म फंड्स की ये आती है एग्रीकल्चर से ये आती है ट्रेड से ये आती है इंडस्ट्रीज से इंडिविजुअल सेवर्स कॉपरेट सेविंग्स बैंक इंश्योरेंस कंपनी स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स अब देखो लॉन्ग टर्म फंड्स की जो डिमांड आती है डिमांड और सप्लाई पढ़ो डिमांड कहाँ से आती है सप्लायर इसका कौन है डिमांड जो है वो आ रही है हमको कहाँ से एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से आ रही है ठीक है यहां से क्या आ रही है हमको डिमांड आ रही है कि भाई हमको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए अब ये लॉन्ग टर्म फंड देने वाले लोग कौन से हैं इंडिविजुअल सेवर्स हमारे जैसे लोग होते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स होती है बैंक होते हैं इंश्योरेंस होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज होती है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ये सब क्या है ये सप्लायर है इस डिमांड के लिए क्या है सप्लायर है इस डिमांड के लिए कौन से डिमांड के लिए लॉन्ग टर्म फंड कौन डिमांड करता है एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्री देने वाला कौन है इंडिविजुअल सेवर्स होते हैं कॉरपोरेट्स होते हैं बैंक uh, होते हैं इंश्योरेंस Companies होती है, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं है? है, है? in तो ये का काम करता है तो वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस चार्ट के थ्रू सबसे पहले तो आपकी कैपिटल मार्केट को डिवाइड किया गया है चार इंपॉर्टेंट हिस्सों में पहला आता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है जो कि अगेन सब डिवाइड किया गया है न्यू इश्यूज में और ओल्ड इशूज में फिर आता है आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपका थर्ड वन है जो अगेन डिवाइड किया गया है आपका आई एफ सी आई आई सी आई सी आई एस एफ सीज आई डी बी आई 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 बी आई यू टी आई फिर आता है आपका लास्ट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो कि मेडलमैन होते हैं तो ये आपका फोर्थ हो गया जो कि डिवाइड किया गया है आपके मर्चेंट बैंक होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं लीजिंग कंपनीज होती है वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है जो स्टार्टअप को फंड देने का काम करती है अदर्स तो ये सारे जो है वो आपका किसका हिस्सा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सो फोर इंपॉर्टेंट जो है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहला है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डी हम जिसको बुलाते हैं जो डेवलपमेंट के हिसाब से फाइनेंस देने का काम करती है लास्ट में आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो कि सॉर्ट ऑफ ब्रोकर्स हम इनको बुला सकते हैं मिडल मैन बुला सकते हैं हम इनको जो मर्चेंट बैंक्स हो गए म्यूचुअल फंड्स हो गए ये सारे फंक्शंस uh, जो है वो परफॉर्म करने का काम हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू होता है तो दैट इज हाउ दी कैपिटल इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स ओके कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ द गिल्ड एज और द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियटिस जो कि हमने इस चार्ट के अंदर अभी अभी देखा है तो वन बाय वन हम इस सबको समझेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ड एड मार्केट इसको क्या बुलाया जाता है गिल्ट एज मार्केट भी बुलाया जाता है किसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करती है ये डील करती है

दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर प्राइमरी मार्केट इशू और सेकेंडरी मार्केट इशू जो है वो हमारे से, सेकेंडरी मार्केट जो कि ओल्ड इशूज़ हमारे होते हैं प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स प्राइमरी मार्केट जो कि न्यू इश्यूज होता है उसमें क्या हो रहे हैं फ्रेश कैपिटल जो है वो हम क्या करते हैं रेज करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स के जरिए सेकेंडरी मार्केट क्या होता है जो कि हम सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाई कंपनीज तो सिक्योरिटी जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू करके रखी है वो क्या होता है सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट जहाँ पर फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं थ्रू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स सेकेंडरी मार्केट्स फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस जो स्टॉक एक्सचेंज है ना हमारा बी एस सी है एन एस सी है सी एस सी है ये सब क्या है हमारे ये सब हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तो इसके थ्रू जो मार्केट फंक्शन परफॉर्म करता है वो होते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ दी कैपिटल मार्केट जो कि कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है इट इज़ एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक्स बॉन्ड्स कमोडिटीज़ आर ट्रेडेड जहाँ पर स्टॉक होता है बॉन्ड्स होता है कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है आई पी ओज आते हैं तो ये सब क्या है हमारे स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कंट्री में सबसे ज्यादा प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस है जो कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है दैन द थर्ड वन दैट वी हैव इज डी एफ आईजपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है किसको प्राइवेट सेक्टर को क्या मिलता है मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प जो मिलती है वो प्राइवेट सेक्टर्स को मिलती है दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई एफ सी आई जो हमने देखा था सबसे फर्स्ट डी एफ डी एफ आई जो है वो फॉर्म हुई थी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया आई और एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो भी काम करती है आपके डी एफ के अंदर क्योंकि डेवलप करना चाहती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये जो बनी है ये क्यों बनी है प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनी है इसीलिए उनकी ये फाइनेंशियली हेल्प करती है फिर आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो हमने देखा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड

कमर्शियल लोन्स यानी कि बिजनेस लोन्स और इन्वेस्टमेंट देने के लिए काम करते हैं हमारे मर्चेंट बैंक वेंचर कैपिटल कंपनीज वो होती है जो कि स्टार्टअप कंपनीज जो होती है स्मॉल बिजनेसेस जो होती है उनको लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसों की जरूरत है उनको देती है तो दैट इज हाउ दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वर्क नाउ रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया मोबालाइजेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स

अवेलेबलिटी uh, जो है फाइनेंशियल रिसोर्स की वो क्या है इनसफिशियंट है हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इन डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास उतना सप्लाई करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं है कैपिटल मार्केट हैज्स टू मोबालाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज अब जैसे ही आप अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हो तो आपको लोगों के पास से जो है वो क्या मिलता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स जो है वो लोगों के पास से आपके बिजनेस में आना शुरू होता है फिर आता है प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल टू कुड बी यूज्ड टू एज एज वेल फंड बिजनेस ऑपरेशन यानी कि यहां पर हमारे उसको खरीदने के लिए हमको क्या मिलते हैं इक्विटी कैपिटल या शेयर कैपिटल मिलता है जो कि अपने बिजनेस ऑपरेशन को फंक्शन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं देन वी हैव ऑपरेशनल एफिशियंसी कैपिटल मार्केट हेल्प टू अचीव ऑपरेशनल एफिशियंसी बाइ लोवरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शन प्रोसीजर्स लोवरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स तो यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी काम और ज्यादा स्मूथ और ज्यादा फंक्शन जो है स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए हमारे बिजनेस की इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हो रहा है उसको कम कर देंगे ट्रांजैक्शन प्रोसीजर को जितना हो सके उतना ज़्यादा सिंपल कर दो ताकि लोगों को देखो हमको किसी को डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें होती है उससे डील करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है कोई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं आसानी है सीखने में तो हम सीख लेंगे अगर थोड़ा मुश्किल है तो हम उसको छोड़ देते हैं इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशन को और ज़्यादा क्या कर दिया गया सिंप्लीफाई कर दिया गया है सेटलमेंट टाइमिंग सेल ऑफ स्टॉक्स जो भी सेटलमेंट है पर्चेज एंड सेल किया जब भी आपने स्टॉक का तो उसके टाइमिंग को और ज्यादा क्या करो आसान कर लो हमारे कस्टमर्स के लिए क्विक वैल्यूएशन कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन अ फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो कैपिटल मार्केट क्या करता है आ, आसान बना देता है और क्विक वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपनी की इक्विटी और डेट को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेशन कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन रियल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू फॉर्म टुगेदर टू ब्रिंग टुगेदर तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट रियल और फाइनेंशियल सेक्टर्स को एक साथ लाता है इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स साथ में होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में काम कर सकते हैं उसी तरीके से डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फंड्स जो है इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे कैपिटल मार्केट को so this, this was the role of capital market in india now let us study the problems which are being faced in capital market so there have financial scams

इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी समवन हु हुज़ एक्सेस टू नॉन पब्लिक इनफॉर्मेशन और अनपब्लिश इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है सिक्योरिटी को ख़रीदना या बेचना जिसके पास नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है या फिर अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है यानी पर्सनल बेनिफिट के लिए जो इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है उसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं सिक्योरिटी को बाय और सेल कर रहे हैं प्राइज मैनिपुलेशन और प्राइस रिगिंग ऑन दी अदर हैंड्स मीन टू सिंपली रेज द प्राइज ऑफ शेयर थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर विद इन सर्टन इंडिविजुअल पर्सनल गेन्स ओके यहां पर क्या हो रहा है प्राइस मैनिपुलेशन या प्राइज रिगिंग यानी कि हमने क्या किया हमने आपस में ग्रुप फॉर्म कर लिया कुछ प, पचास साठ लोगों का अब हम उनको बोल रहे कि एक काम करो मिलकर इस शेयर को ख़रीदते हैं इस शेयर को सब मिलकर ख़रीद रहे हैं शेयर का प्राइस जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा बढ़ते जाएगा जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ रहा है अब एक साथ सब मिलकर क्या करेंगे उसको बेच देंगे तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं ये आपस में ग्रुप फॉर्म करके जो ये करना होता है वो बिल्कुल ही गलत होता है सच इलीगल प्रैक्टिस हैव ऑलो अफेटेड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट जिससे कि कैपिटल मार्केट हमने जितना सिम्पलीफाई करने का सोचा है स्मूथ फंक्शन करे उतना ही ज्यादा क्या करते है, वो difficult हैं वो डिफिकल्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली कंपनीज आर देन फेसिंग लॉसेज इन एडुकेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बॉन्स डिचर्स एक्सेट्रा दर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेट सिक्योरिटीज़ ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस हाई कॉस्ट ऑफ इशोरेंस ओके डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बॉन्स एंड डिवेंचर्स है और इसके अंदर भी ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो नहीं होती है डेट सिक्योरिटीज़ में क्योंकि इन्वेस्टर बेस जो है वो हमारा नैरो है ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है हाई कॉस्ट ऑफ इशुएंस है यानी कि इशू करने के कॉस्ट भी ज़्यादा हमको चार्जेस होते हैं लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो लोग इस डेट इंस्ट्रूमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं देन वी हैव डिक्लाइन इन द वॉली ऑफ ट्रेड रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस इन दॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिकॉजर्स प्रीफर टू ट्रेड एंड सिक्योरिटीज लिस्ट एंड प्रीमियम स्टॉक एक्सचेंज लाइक बी एस सी एंड एन एस सी अब रीजनल क्या होता है हर स्टेट का अगर अपना खुद का भी स्टॉक एक्सचेंज होगा जैसे कि सी एस सी ए चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है ओके okay? तो चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है वो रीजनल हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी रीजनल हो जाता है लेकिन ये प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस है यानी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो इनके थ्रू होती है बी और एन के थ्रू तो रीजनल जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके अंदर डिक्लाइन देखने मिलेगा कि वहाँ उसके थ्रू लोग ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग ज्यादा बी और एनएससी के थ्रू करते हैं जो कि प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसकी वजह से क्या होता है जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है दे हैव विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो रीजनली कोई नहीं कर रहा है सब बी एस सी के थ्रू क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग करते हैं

नहीं करना है तो जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं ये इशू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है तो दीज वे द दी प्रॉब्लम्स विच वे बिंग फेस्ड बाई कैपिटल मार्केट लेटेस्ट सम विच आर बिंग इंट्रोड्यूस इन द कैपिटल मार्केट जिस तरीके से मनी मार्केट में रिफॉर्मस आया गया है उसी तरीके से कैपिटल मार्केट में भी रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं सबसे पहला है हमारा सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन बट गि स्टेचुटरी पावर्स इन नाइनटीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट तो नाइनटीन में इसको फॉर्म तो किया गया है लेकिन नाइनटीन के इसके हाथ में पावर दिया गया है किस चीज़ का कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स उनके जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो क्या किया गया है सेबी को पावर दिया गया है तो ये सबसे पहला चेंज जो है वो देखने मिला है नेक्स्ट इट सेज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिशड इन 1992 तो एनएससी कब आया है 1992 में आया है कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ओके अब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है इसके पहले ऐसा नहीं चलता था इसके पहले स्टॉक एक्सचेंज के जहाँ पर है वहाँ पर जाना पड़ता था आपके हाथ में बॉन्ड्स होते थे पेपर्स होते थे अब ऐसा नहीं है अब आप अपने घर में बैठे बैठे भी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो इन्वेस्ट कर सकते हो किसी को उठकर वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है डीमेट अकाउंट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस सिंस 1996 टू फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय शेयर्स बाय द इन्वेस्टर्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड अब डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी भी 1996 जो है वो उसमें दे दी गई है कि अलग से शेयर्स का एक अलग ही अकाउंट होगा जिसको हम बुलाते हैं डीमेट अकाउंट जिसके थ्रू आप अपने फंड्स की फंड से क्या कर सकते हो ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो तो ये इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय द इन्वेस्टर्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप सेल और परचेज करोगे शेयर्स का

अवेयर किया जा सके ऐसी ऐसी प्रमोशंस होते हैं इन चीजों के कि कैसे आप फ्रॉड होने से फाइनेंशियल स्कैम्स होने से बच सकते हो तो ये सारी चीजें आपके रिफॉर्म्स जो है वो उसमें लेकर आई गई हैं नेक्स्ट दैट वी हैव इज इकोनॉमिक पॉलिसी इन एन इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी ये हमने हमारे चैप्टर एट जो है वो पब्लिक फाइनेंस में देखा था मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है सेंट्रल बैंक बनाती है फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है डील्स विद मनी सप्लाई मॉनिटरी पॉलिसी यानी पैसे हैं तो डील कौन करता है मनी सप्लाई से हमारी सेंट्रल बैंक डील करती है फिजकल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो वो डील करती है हमारे टैक्सेस के साथ में हमारे एक्सपेंडिचर्स के साथ में तो ये सारी पॉलिसी हमारी फिजकल में आती है देन इट सेज मॉनिटरी पॉलिसी एम्स एट फाइनेंशियलियल स्टेबिलिटी यानी कंट्री में किस तरीके से फाइनेशियल स्टेबिलिटी हम बनाए रख सकते हैं वो सेंट्रल बैंक ध्यान देती है मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू फिजिकल पॉलिसी में इट एम्स एट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट तो किस तरीके से इकोनॉमिक यानी कंट्री के साथ साथ हम सोशल डेवलपमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम कर सके वो आता है हमारी फिजिकल पॉलिसी में

डेवलप इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स के लिए बनाया गया है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट को रेगुलेट डी है वो नहीं करता है तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन देन मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो है वो मनी मार्केट जो है वो फेस करता है तो क्यों फेस करता है शॉर्टेज ऑफ फंड क्योंकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ग्रोइंग डिमांड इन एडिकुएट सेविंग्स येस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है शॉर्टेज ऑफ फंड्स पैसों की कमी क्यों होती है क्योंकि लोग सेविंग ही नहीं कर रहे देखो ग्रोइंग डिमांड फॉर कैश तो नहीं हो सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से भी मनी मार्केट इतना जो है वो अफेक्ट नहीं होता है लोगों के अंदर सेविंग्स की हैबिट ही नहीं है सेविंग्स की हैबिट नहीं होने की वजह से क्या होता है लोग पैसे जो है वो जाके डिपॉजिट नहीं करें तो अल्टीमेटली डिपॉजिट नहीं करोगे बैंक में पैसे नहीं रहेंगे तो वो पैसे सर्कुलेट कैसे होंगे तो इन एडिकुएट सेविंग्स इज द करेक्ट आंसर देन वी हैव इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो हमारे पास है भले कम है लेकिन है हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है हमने तो सिंपलीफाई कर दिया ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम कर दिया लो रिटर्न्स नहीं इंटरेस्ट रेट भी अच्छा देते हैं हम डेप्ट के ऊपर हायर रिटर्न्स मिलता है फाइनेंशियल स्कैम जो है वो ऐसा स्कैम है कैपिटल मार्केट में जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है वो उठ जाता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा उठने के लिए फाइनेंशियल स्कैम रिस्पॉन्सिबल है ओके कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एन इंटरमीडियरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू मेक प्रॉफिट्स नहीं देखो कमर्शियल बैंक का गोल डेफिनेटली प्रॉफिट है लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको क्वेश्चन बोलता है एज एन इंटरमीडियरी काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम टू किसके साथ में इंटरमीडियरी एज वो काम कर रहा है किस चीज के लिए इंटरमीडियरी बनता है वो उसका काम क्या है वहां उसका फंक्शन बताना है यहां उसको उसका उसका मेन एम क्या है है वो नहीं बताना फंक्शन बताना है फंक्शन में आपको क्या पूछा गया है इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम इंटरमीडियरी का काम करता है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में अब एज एन इंटरमीडियरी उसका काम क्या रहेगा एक्सेलरेट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है लेकिन यहाँ पर उसका काम क्या है मोबालाइज द सेविंग एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इनॉमी दिस इज द करेक्ट आंसर ताकि लोगों के पास से सेविंग्स आए फिर ही तो वो दूसरे लोगों को एज एन इंटरमीडिएट ही काम कर रहा है ना तो यहाँ से पैसे लो किसी और को पैसे दो राइट right? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कंट्रोल द क्रेडिट नहीं क्रेडिट कंट्रोल करने का काम जो है वो कमर्शियल बैंक्स का नहीं होता है सो हियर वी हैव ऑप्शन सी टू बी द करेक्ट ऑप्शन अगर मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स देता है तो लॉन्ग टर्म फंड कौन देता है डेफिनेटली वो हमारा कैपिटल मार्केट है डेफिनेटली हमारा कैपिटल मार्केट है Then, SBI अगर कमर्शियल बैंक है तो आर जो है वो क्या है सेंट्रल बैंक है कोऑपरेटिव बैंक्स ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो इंडिजीनियस बैंक जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बिलोंग करते हैं टू अनऑर्गेनाइज से मार्केट ओल्ड इशूज करता है तो प्राइमरी मार्केट फ्रेश कैपिटल रेस करता है थ्रू देयर्स एंड डिवेंचर्स तो यहाँ पर आता है हमारा न्यू इशूज यहाँ आएगा हमारा न्यू इशूज कंप्लीट द को रिलेशन इज वेरी सिंपल अगर आपको उसके अपोजिट वाले का नाम बहुत अच्छे से याद होगा तो आप जो है वो काफी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं नेक्स्ट दैट वी हैव फाइंड ऑर्ड वर्ड ऑर्ड वर्ड आउट ठीक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट के कौन से कौन से टाइप होते हैं सेविंग्स होता है करंट होता है रिकरिंग होता है डीमेट अकाउंट ये बैंक अकाउंट का टाइप नहीं है ये वो अकाउंट क्रिएट किया जाता है अलग से जहां से आप अपने शेयर्स शेयर्स और डिबेंचर्स की trading, की जो है, की ट्रेडिंग 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 जो है स्टॉक कर सको तो डीमेट अकाउंट जो है ये आपका बैंक अकाउंट जो है वो नहीं है ओके अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स म्यूचुअल फंड अनरेगुलेटेड है निधि अनरेगुलेटेड है छिटफंड अनरेगुलेटेड है लोन कंपनीज जो है लोन कंपनीज अगर हम देखें यहाँ पर तो लोन कंपनीज जो है वो भी आपकी अनरेगुलेटेड में आती है लेकिन म्यूचुअल फंड जो है देखो निधि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का टाइप है लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं है चिट फंड अनरेगुलेटेड है लेकिन म्यूचुअल फंड जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र बराबर रहती है तो म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है म्यूचुअल फंड अनरेगुलेटेड नहीं है आपका फाइनेंशियल असेट आते हैं बॉन्ड्स है लैंड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है डेरेवेटिव है देखो बॉन्ड्स फाइनेंशियल फाइनेशियल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है भी है लैंड एक हमारा कैपिटल होता है लैंड हमारा फाइनेंशियल नहीं होता है देन वी हैव क्वान्टिटेटिव टूल्स बैंक रेट है हमारे पास ओपन मार्केट है ओपन मार्केट ऑपरेशन है फॉरन एक्सचेंज रेट है वेरिएबल रिजर्व रेशियो है तो इसका जो आंसर है फॉरन एक्सचेंज रेट है क्योंकि दिस इज नॉट अ क्वान्टिटेटिव टूल दिस इज अ क्वालिटेटिव टूल फॉरन एक्सचेंज क्वालिटेटिव है ये हमारा कैपिटल असेट है ये हमारा रेगुलेटेड में आता है राइट एंड डीमेट अकाउंट इज नॉट अ बैंक अकाउंट तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के अंदर वो इंक्लूड नहीं होता है ओके नेक्स्ट दैट वी हैव इज एसोशन एंड रीजनिंग assertion and reasoning कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको पहले भी समझाया है पहले स्टेटमेंट पढ़ो देखो स्टेटमेंट सही है क्या दूसरा जो उसका रीजन दिया है वो सही है क्या फिर देखो रीजन जो है वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है और इसके थ्रू आप अपना जो है assertion and reasoning वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है assertion money market economizes use of cash economizes यानी कि सेव करता है बचाता है यूज ऑफ कैश नी मार्केट के बारे में सही है मनी मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट मनी अब अगर मनी मार्केट सब्सटीट्यूट क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी मनी से जो नियर बाई सब्सटीट्यूट है उसका इस्तेमाल करता है तो अपने आप इससे क्या होता है पैसों की बचत हो रही है कैश जो है उसकी बचत हो रही है यानी कि यूज लेस स नहीं है यूजलेस इज डिफरेंट जो नाकारा होता है उसकी बात नहीं कर रहे यानी कि कम इस्तेमाल करना तो यहाँ पर पैसों का कम इस्तेमाल कब होगा जब हम पैसों के क्लोज सब्सिट्यूट के साथ डील करेंगे सो ऑप्शन थ्री इज दी है रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है शार्प डिक्लाइन इन दॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन्वेस्टर्स प्रीफर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक बी एस सी एंड एन एस सी अभी अभी हमने इस चैप्टर को कम्पलीट करने के टाइम पर ही देखा है कि हमने क्या प्रॉब्लम फेस करता है कैपिटल मार्केट तो डिक्लाइन इन दॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमने देखा जहाँ पर अगर आपको याद होगा तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा देखा है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है हमारे थ्रू बहुत कम होता है अब क्यों कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि बी और एन जो कि प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है इनके थ्रू हमारा ट्रेडिंग हो तो ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट एज वेल एज रीजन जो है वो उसका सही है और उसी के साथ साथ वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है मनी okay. मार्केट तो तो में किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं है जब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और इसी के साथ साथ ये लोग ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में ही डील करते हैं अर्बन में डील नहीं करते हैं तो ए इज ऑल्सो करेक्ट आर इज ऑल्सो करेक्ट एंड आर

ऑफिशियल रेट ऑफ रुपी एंड एनशोर्स इट्स स्टेबिलिटी तो ये तो आर बी आई का काम है तो हम जानते हैं तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है तो ए गलत है आर सही है तो ऑप्शन टू इज करेक्ट ए इज फॉल आर इज चो एज फॉल जन आर इज चू सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ आईडेंटिफाइन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गि स्टेटमेंट अब हमको आइडेंटिफाई करना है कौन से कॉन्सेप्ट है और फिर हमको उसको एक्सप्लेन भी करना है ओके okay. तो वेरी फर्स्ट वन इज रघुज फादर रेगुलरली इन्वेस्ट हिज मनी इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड तो रघु के फादर जो है वो पैसे अपने हमेशा स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सारा मेक्स मंथली कंट्रीब्यूशन टू अ फंड जॉइंटली क्रिएटेड बाय हर फ्रेंड्स द कलेक्टेड फंड इज देन गिवन टू अ मेंबर थ्रू थ्रू लकी लकी ड्रॉ ड्रॉ तो के हम क्या करते हैं हम uh, जैसे मैंने आपको बताया था ये चिट फंड वाला काम होता है है ना चिट फंड जैसी कंपनी फॉर्म होती है जहां पर सब मिलकर क्या करेंगे चिट्ठी पर नाम लिख देंगे चिट्ठी उड़ाएंगे जिसका नाम आया जो कंट्रीब्यूट किया गया पैसा है वो उसका है तो दिस कॉन्सेप्ट इज अ चिट फंड कॉन्सेप्ट ओके

functions of commercial bank, ancillary function of commercial bank aap pura यहाँ par likhenge So that is how you are supposed to identify the concept and then you have to explain the concept as well. Next जो हमारा question है that is about distinguish between. जैसे मैंने आपको बोला कि एक detail में session हम लेंगे कम से कम चार point आप अच्छे से याद कर लोगे ताकि अगर आपके एक दो point कुछ mismatch भी हो जाते हैं तो at least you know मनी मार्केट कैपिटल मार्केट हमने देखा है यहाँ पर लिक्विड होता है यहाँ पर इक्विटी एंड डेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट भी हमने जो है चैप्टर अपने लेक्चर वन में पढ़ लिया है ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में भी हमने लेक्चर में पढ़ा है तो अगर आपने लेक्चर को एकदम ध्यान से सुना है बच्चों तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन को भी अटेम्प्ट कर पाओगे सो विद दिस बच्चो वी हैव कम्प्लीटेड अ चैप्टर नाइन अलॉन्ग विद एक्सरसाइज दैट इज पब्लिक दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा जो कि हमारा फाइनल चैप्टर टेंथ चैप्टर जो है हमारा हम करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में किस तरीके से कंट्री में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो काम करता है डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है इन सारी चीज़ों को हम जो है वो समझेंगे लेकिन उसके लिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और आज का हमारा लेक्चर जो है वो यही कम्प्लीट होता है तो लेटस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टैन स्टेटी लेक्चर्स थैंक यू वेरी मच